الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रोज़ा है और आज अपने दौरे हदीस में हम जिस उन्वान से अपने दर्स का आगाज़ करेंगे, जैसे कि कल हमने आपको हदीस का तारुफ बताया, उसकी अहमियत बताई, उसकी ज़रूरत बताई, तो आज हदीस का चूँकि दौरा स्टार्ट है हमारा, तो आज हम बात करेंगे ईमान और कलमा तैयबा यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत। ईमान वालियो, ईमान, ईमान किसे कहते हैं? ईमान उसे कहते हैं कि सच्चे दिल से उन बातों की तस्दीक करें जो ज़रूरतें दीन हो, ज़रूरतें दीन हो, और किसी एक ज़रूरतें दीन का इनकार भी कुफर है। किसी एक ज़रूरत दीन का इनकार भी कुफर है, अगरचे बाकी तमाम ज़रूरियात की तस्दीक करता हो। ज़रूरियात दीन वो मसाइल हैं जिनको हर खास और आम जानते हो, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत, अंबिया की नबूवत, जन्नत और नार, हशर और नशर वगैरह। ईमान वालियों, जो ईमान का क़याम है ना, इसका ईमान के क़याम की तीन शर्तें हैं। पहली शर्त, दिल में खौफे खुदा रहे, यानी कि जिसके दिल में ईमान होगा और ईमान कायम रहने की जो शर्तें हैं वो तीन हैं। पहली क्या है कि दिल में खौफे खुदा रहे, ईमान का शुक्र गुजार रहे, और तीसरी चीज़ हमेशा जुल्म से बाज रहे। जिसके अंदर ये तीन शर्तें, ये तीन बातें होंगी, जो इन ईमान की तीन शर्तों को पकड़ कर ईमान का दावा करेगा वो एक पुख्ता ईमान वाला होगा या होगी। ईमान वालियों, ईमान लुगत में किसी की बात को किसी के एतमाद पर यकीनी तौर पर मान लेने का नाम है, और दीन की ख़ास जो इस्तलाह में खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर मुशाहदा के महज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद पर यकीनी तौर से मान लेने का नाम ईमान है। अब समझ आई कि भी ईमान क्या है? हम इबादत करते हैं किसकी? अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह पर हमारा ईमान है। अभी हम ये रोज़े रख रहे हैं, अपने आप को हम खाने पीने से रोके हुए हैं, बुराइयों से रोके हुए हैं, क्योंकि रोज़े की अहमियत और इसके सवाब पर हमारा ईमान है। ये ईमान है, यानी ईमान की कुछ चीज़ें हम कुरान पाक से देखते हैं कि कुरान पाक ईमान के हवाले से क्या फरमा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अल अंबिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون। अल्लाह तआला ने
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और हमने आपसे पहले कोई ऐसा पैगंबर नहीं भेजा जिसके पास हमने वही ना भेजी हो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए मेरी ही इबादत करो। एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया सूरह अल इन्फाल में, وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الله تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيما۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا، جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی وہاں ان کی دستگیری اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا۔ سورہ غافر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی الا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یوم الاشہاد۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ ایمان بھائیو، یہ جو چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے ایمان والوں کی اور پھر ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کی سنائی، اس سے یہ بات کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس قدر انسان کا ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، طاقت میں ہوگا، اللہ کی رحمتیں اتنی ہی اس پر زیادہ ہوں گی۔ کیا چیز؟ ایمان۔ جتنا ایمان قوی ہوگا، آ چکے جو دورہ حدیث ہے ہمارا ایمان اور بھی کلمہ طیبہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی طاقت پر ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ ایمان والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، تو تبھی ہماری بات بنے گی کس کے حضور؟ اللہ کے حضور۔ کیا قوی ہوگا؟ ایمان۔ کیا؟ ایمان۔ ایمان والیوں، اب کچھ دورہ حدیث میں احادیث نبویہ کی طرف چلتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان کس پہ کھڑا ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ بھی آج دورہ حدیث میں ہماری احادیث ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها امامۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اور راوی حضرت ابو ہریرہ، فرمایا کہ ایمان کی
70 से ज़्यादा शाखें हैं, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, और इनमें सबसे जो अफजल शाख है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है। क्या? वो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। और अदना शाख जो छोटी शाख है, अदना शाख किसी तकलीफ देने वाली चीज़ को रास्ते से हटाना है। और हया ईमान की अहम शाख है। ला इलाहा की ताकत देखी आपने इस हदीस में कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे आला जो शाख है वो कौन सी है? ला इलाहा, यानी इंसान का इस बात पर एतकाद होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि वाकई में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वो तन है, वो तन्हा है, वो यकसर है, उसका कोई सानी नहीं है, वो लम शरीद व लम यूलद है, वो ही है वो जो व लम यकुन लहू कुफुवन अहद है, वो अपनी इबादत अपनी रियासत अपने कमालात में तन्हा है, उसका कोई हमसर नहीं है। ईमान वालियों, एक उसी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। इसको अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। तो अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम अपने ईमान को किस तरह ताज़ा करें, हम अपने ईमान को किस तरह ताज़ा किया करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो। यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से पढ़ा करो, इसका जिक्र किया करो, अपनी ज़ुबान को इस जिक्र से तर रखा करो। ज़ुबानें तर होंगी तो सीने मुनव्वर होंगे, और इसी से फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के जो करिश्मात, उसके जो कमालात, उसके जो मौजज़ात हैं, जो इसके कमालात हैं, वो इंसान को नज़र आना शुरू हो जाते हैं जब हम एक खुदा के होने की गवाही देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलीशान है عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله يقول افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله سبحان الله। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि तमाम अज़कार में सबसे अफजल जिक्र, तमाम अज़कार में सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन सा जिक्र है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन सा जिक्र है? ला इलाहा। और तमाम दुआओं में सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। क्या है दुआओं में? क्या है अल्हम्दुलिल्लाह? ईमान वालियों, आपने देखा कि हदीस क्या बता रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र है, इसलिए कि ये सारे दीन का दारोमदार, जिस दीन से मेरा और आपका ताल्लुक है ना, इस सारे दीन का जो दारोमदार है वो किस पर है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसके बगैर ना ईमान सही है, इसके बगैर ना ईमान सही है और ना कोई मुसलमान ठीक तरीके से मुसलमान है।
ना ईमान सही ना मुसलमान सही। और फिर आपने देखा कि हदीस का दूसरा हिस्सा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अफजल दुआ है। ईमान वालियों, अब अल्हम्दुलिल्लाह को सबसे अफजल दुआ इसलिए फरमाया गया कि करीम की तारीफ, किसकी तारीफ, करीम की, अल्लाह रहीम की तारीफ का मतलब सवाल ही होता है, सवाल करना सवाल ही होता है, और दुआ अल्लाह ताला से सवाल करने का ही नाम है। हर नेमत पे बोला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, तो एक और हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा दिल के साथ इखलास से, जब कोई बंदा दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो इस कलमे के यकीनी तौर पर आसमान से दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब कोई शख्स दिल से यकीनी तौर पर, यानी कि जिसमें जरा बराबर भी शक ना हो, अपने ईमान अपने इखलास से क्या कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो इस कलमे के लिए यकीनी तौर पर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि ये कलमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, ये कलमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, यानी फौरन कबूल होता है, पर शर्त ये कि वो कलमा कहने वाला कबीरा गुनाहों से बचता हो, कबीरा गुनाहों से बचता हो। इखलास, इखलास से मतलब क्या होता है ईमान वालियों, इखलास का मतलब होता है कि जिसमें रियाकारी ना हो, जिसमें मुनाफ़त ना हो, यानी कि जब आपकी जुबान कह रही है दिल उसी की तस्दीक करता हो, जो आपके लब पर आया जुबान पर आया दिल भी उसी की तस्दीक करता हो, और जो आपके दिल में हो जुबान भी उसी को कह रही हो, ये है कि इखलास, इसमें जरा बराबर भी आपको शक शुबह की बात ना। अच्छा, ये बात तो हमने देखी कि कबीरा, हदीस ने कहा कि बशर्त ये कि वो कलमा कहने वाला कबीरा गुनाहों से बचता हो। अब एक और हदीस में हम देखते हैं एक ऐसे शख्स को जो गुनाह में मुब्तला है लेकिन उसके लिए फिर भी खुशबरी है, क्या खुशबरी है। عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق على رغم ان في ابي ذر حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और फिर इसी पर उसकी मौत आ जाए तो वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। कहाँ पे? वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। हज़रत साहब फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की अगरचा उसने जिना किया हो या अगरचा उसने चोरी की हो, उसने क्या किया हो, अगरचे उसने जिना किया हो या उसने चोरी की हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नाम हाँ अगरचे उसने जिना किया हो अगरचे उसने चोरी की हो
मैंने फिर अर्ज किया, अगर जो उसने जिना किया हो, अगर जो उसने चोरी की हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, हाँ अगर जो उसने जिना किया हो, अगर जो उसने चोरी की हो। मैंने तीसरी मर्तबा फिर वही सवाल दोहराया कि या रसूलल्लाह, अगर जो उसने जिना किया हो, अगर जो उसने चोरी की हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जो उसने जिना किया हो, अगर जो उसने चोरी की हो। अबू ज़र के ईमान वालियों, अबू ज़र के अलर रकमी में सुमराद है कि वो जन्नत में जरूर जाएगा। अब आपको ये भी बता दूं कि जो लफ्ज़ इसमें अला रग्मी है, अरबी ज़बान में ये एक ख़ास मुहावरा है, अरबी ज़बान में एक ख़ास मुहावरा है, और इसका मतलब भी ये है कि अगर तुम्हें ये काम नागवार भी हो और तुम्हें इसका ना होना, तुम इसका ना होना भी चाहते हो, तब भी ये होकर रहेगा। ये कलमे की ताकत बताई जा रही है कि इससे कलमे की ताकत कितनी है, तब भी ये होकर रहेगा। यहाँ पर हज़रत अबू ज़र को हैरत थी कि इतने बड़े बड़े गुनाहों के बावजूद वो जन्नत में कैसे दाखिल होगा। इसलिए तो आप बार बार सवाल कर रहे थे कि अगर जो वो ज़्यादाती हो, अगर जो वो चोरी करता हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ हाँ। तो ईमान वालियों, हज़रत अबू ज़र को हैरत थी कि वो इतने इतने बड़े गुनाह के बावजूद जन्नत में दाखिल कैसे होगा, जबकि अदल का तकाजा तो ये है कि गुनाहों पर सजा दी जाए। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हैरत को दूर करने के लिए फरमाया का अबू ज़र को कितना ही नागवार गुजरे, अबू ज़र को कितना ही नागवार गुजरे, वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। अब अगर उसने गुनाह भी किए हैं तो ईमान के तकाजे से वो तौबा इस्तिग़फ़ार करके गुनाह माफ़ करा लेगा, या अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल व करम से उसे माफ़ फरमा कर बग़ैर किसी अजाब के या गुनाहों के सजा के बाद बरहाल वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। सजा होगी उसको, लेकिन जो उसने कलमा पढ़ा होगा ना इख़लास के साथ, जो उसने गवाही दी होगी, वो बरहाल उसका ज़ाया जाने अल्लाह ताला नहीं देगा। उसको सजा होगी उसके गुनाहों की, लेकिन जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो उसको ले जाएगा, ऊँचा बोलिए ना, कहाँ ले जाएगा, जन्नत में ले जाएगा। इस कलमे की ताकत कितनी आला है ईमान वाली। एक और हदीस है, हज़रत हुज़ैफ़ा से रवायत है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह कपड़े के नक्शो निगार किस जाते हैं और कपड़े के नक्शो निगार किस जाते हैं और मानत पड़ जाते हैं, इसी तरह इस्लाम भी एक ज़माने में मानत पड़ जाएगा, यहाँ तक कि किसी शख्स को ये इल्म तक ना रहेगा कि रोज़ा क्या है, ये रोज़ा क्या है, ये सदका और हज के किस चीज़ का नाम है। एक शब आएगी कि कुरान सीनों से उठा लिया जाएगा और ज़मीन पर इसकी एक आयत भी बाकी ना रहेगी। मुतफरी तौर पर कुछ लोग, कुछ बूढ़े मर्द और कुछ बूढ़ी औरतें रह जाएंगी, जो ये कलमा कहेंगी कि हमने अपने बुजुर्गों से ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुना था। कौन सा कलमा सुना था? ला इलाहा इल्लल्लाह सुना था, इसलिए हम भी ये कलमा पढ़ लेते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द सिला ने पूछा कि जब इन्हें रोज़ा, जब इन्हें हज, सदका वगैरह का इल्म ही ना होगा, तो भला ये सिर्फ ये कलमा इन्हें कैसे फ़ायदा देगा, ये कलमा इन्हें कैसे फ़ायदा देगा। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसका जवाब ना दिया, उन्होंने तीन बार यही सवाल दोहराया, तीन बार यही सवाल दोहराया कि उनके पास तो नमाज की समझ नहीं, सदका की समझ नहीं,
उनको हज की समझ नहीं, इल्म तक नहीं, हाँ तो ये कैसे फ़ायदा मंद होगा। तीन मरतबा उन्होंने सवाल दोहराया, हर बार हज़रत हुज़ैफ़ा ने एराज करते हुए करते रहे। फिर इनके तीसरी मरतबा इसरार करने के बाद फरमाया, सिला यही कलमा है जो इनको तो सबसे निजात दिलाएगा। वो कलमा कौन सा है? ईमान वाली कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। फिर आज के इस दौरे हदीस में हमने क्या सीखा कि हमने भी अपना एतकाद, अपना ईमान पुख्ता करना है। इसकी मस्सी पकड़कर ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं, अल्लाह वाहिद है, अपनी इबादात, अपने कमालात, अपनी सिफात, अपनी ज़ात में वो वाहिद है, वो शक्ता है, उसका कोई सानी नहीं, वही है जो वहदहू ला शरीक है, वही है जो गैब जानता है, वही है जो तमाम मखलूकात का खालिक है, मालिक है, राजिक है। तो ईमान वालियों, अगर ये जो हम पर कभी मुश्किल परेशानी आ जाएगा, यकीन जानिए जिन बीवियों का, जिन बहनों का, जिन लोगों का अल्लाह सुबहाना व ताला पर तवक्कुल मजबूत होता है ना, वो परेशानियों में भी अपने आप में, वो परेशानियों में भी इस तरह परेशान नहीं होते जैसा एक आम इंसान परेशान होता है, बल्कि वो परेशानियों में भी, मुश्किल में भी, भाई ज़िंदगी का हिस्सा है ना ये तमाम चीज़ें, तो वो इन तमाम में भी क्या कहता है, जिसको अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कभी तवक्कुल होता है, जो कहता है कि हसबुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, वो उन मुश्किल में घिर के भी, उन परेशानियों में घिर के भी कहता है कि इतना शदीद गम है और एहसास गम नहीं, इतना शदीद गम है और एहसास गम नहीं, कैसे न कहूँ कि मेरे मौला का मुझ पे करम नहीं। तो ईमान वालियों, ये गर्म तभी इसके मज़े लुटे जाते हैं जब हमारा तवक्कुल, हमारा एतकाद किस पर मजबूत हो? अल्लाह पर। किस पर? किस पर? यही हमारे ईमान का अहम जुज है कि जो अल्लाह पर एतमाद रखता है ना, मुश्किल भी आती है, खुशी में तो हम खुश होते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तो उसका एतमाद है, जब गमी आती है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, तो उसका एतमाद होता है, एतकाद होता है, यकीन होता है कि मेरा रब कहता है कुरान पाक में, फ़ाइन्ना मअल उस्री युस्रन, इन्ना मअल उस्री युस्रा, हर आसानी के बाद तंगी और तंगी के बाद आसानी अता करने वाला। हाँ, अगर आज तुम्हारे लिए अंधेरा है तो मुझ पर यकीन रख, क्योंकि मैं रोशनियाँ करने वाला। ये दिन से रात से जो दिन आता है, कौन सूरज को चढ़ाता है? बोलिए ना, अल्लाह। तो ईमान वालियों, मुश्किलात आए, परेशानियाँ आए, हाँ हमें अपने आप को अल्लाह की रज़ा की खातिर उसकी रहमतों से मायूस ना होते हुए, उस पर यकीन रखते हुए, उसकी रहमतों, उसकी बरकतों, उसकी ज़ात पर यकीन रखते हुए कि वो मुझे इंशाल्लाह सुरू करेगी, ज़ात मुझे कामयाब करेगी, इज़्ज़तों की मालिक है, मेरा उसी पर यकीन है, उसी पर एतकाद है, मेरा हर मामला उसी से है, तो यकीन जानिए अल्लाह ताला अपने उस बंदे को तनहा ना सिर्फ इस जहां में बल्कि उस जहां में भी वो उसका हामी और नासिर होता है। तो इन बातों को कलर पेंसिल लेके लिख लिया करें ताकि हमारे ये हमेशा याद रहे, और ये जो बातें मैं आपसे कहती हूँ ना, इनको आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया करें। हमारे माशरे में आज अल्लाह से रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है, शिर्क या फिर कुछ अनजाने में ऐसे अमल किए जा रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम वो किस तरफ जा रहे हैं। हमें अपने अल्लाह की पहचान होने चाहिए, उसके रब्बे ज़ुलजलाल, उसके सुबहाना व तआला होने पर हमारा ईमान होना चाहिए, और हमारा अमल ऐसा होना चाहिए कि जब कोई गैर मुस्लिम हमारा अमल देखे तो वो देख कर ये कहे कि इसका अपने रब के साथ, जिसको वो नहीं मानता या वो शरीक ठहराता है, कि इसका अपने रब के साथ कितना मजबूत अमल है, ये अपने रब का कितना पुजारी है, ये अपने रब को कितना ज़्यादा उसके हुक्म को का मानने वाला है, ये अपने रब को कितना ज़्यादा जानने वाला है। और वो तभी मुमकिन होगा जब हम अमली सूरत में अपने रब से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, अपने ईमान का इजहार करेंगे। अब ये नमाज है,
मैं पहले भी ये बहुत दफ़ा मिसाल दे चुकी, लेकिन फिर यहाँ पर मुझे मिसाल बन रही है कि नमाज हम में से अक्सर लोग नमाज ही नहीं है, हम में से अक्सर लोग कुरान पाक के अहकाम को नहीं जानते, अक्सर लोग नबी सल्लल्लाहु तआला के बाद वसल्लम की हदीस आपकी ज़िंदगी से रग़बत या शौक या ताल्लुक उस तरह का नहीं रखते और कहते हैं कि हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं। नमाजी अगर नमाज ना पढ़े तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो अल्लाह से इश्क रखने वाला, अल्लाह से मोहब्बत रखने वाला, अल्लाह की इज्जत करने वाला है? अल्लाह ने तो हुक्म दिया है, और जिस चीज़ का हुक्म हो जाता है इससे मुराद ये होता है कि अब हमने उसको करना ही करना है। किसके खुशी के लिए? मालिक की खुशी के लिए। किसकी रजा के लिए? मालिक की रजा के लिए, कि इससे मालिक खुश होगा, इससे मेरा अल्लाह खुश होगा, इससे मेरा खुदा, इससे मेरा रब खुश होगा, उसकी रजा उसकी खुशनुदी के लिए मैंने ये अमल करना है। और फिर मैंने शुरू में जो बात कही उसी बात पे ईमान वालों, मैं आज के दरस कुरान को ख़त्म करूँगी और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया करूँ। और मैंने शुरू में कहा था कि ईमान के क़याम की तीन शर्तें हैं, ईमान के क़याम की तीन शर्तें हैं, यानी तीन शर्तों पर ईमान कायम रहता है, कायम रह सकता है। और पहली शर्त क्या है कि दिल में खौफे खुदा, दिल में खौफे खुदा रहे। दूसरी शर्त ईमान का शुक्रगुजार रहे। और तीसरी हमेशा जुल्म से बाज रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ जो मैंने कहा और आपने सुना, हम सबको अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अमानत।